गाइस, तो गाइस आप सोच रहे हैं आज हम इतने संडे में, तो कई दिन से हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे लॉन्ग वीडियो, तो आज हम वीडियो बनाने निकले हैं। तो अभी हम हैं आपको टपोल, तो यहाँ से हम लेंगे अपने मिस्टर लक्ष्य पंत को और उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। पास पहुँचने वाले हैं क्योंकि वो यहाँ पे डांस क्लास में आया था, तो उसके बाद हम उसको लेके चलेंगे। भीड़ भी बहुत होती है, मौसम आज गर्मी बहुत थी गाइस, तो आज का जो मौसम है बहुत ही अलग ही तरह का, और जिसको बोलते चिपचिपी धूप टाइप में, पसीना बदन में नहाने के बाद मतलब एक ऐसा लग रहा, फील हो रहा था कि जैसे नहाए नहीं है भाई। आज का दिन कहते हैं ना बरसात हो तब दिक्कत होती है लोगों को, धूप हो तब दिक्कत होती है, कुछ कह नहीं सकते। गाइस हम पहुँचने वाले हैं, पहुँच चुके हैं समझ लीजिए आप। तो गाइस हमारे लक्ष्य पंत आ चुके हैं, पसीना 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 हो रहा है, काला कोयले की तरह हो रखा है। तो चलते हैं आगे, मिलते हैं अभी आपसे। शायद गाड़ी में हवा या कोई पंचर हो चुका है, दिख रहा है। तो ये देखो आप इस तरह से बिल्कुल ये आपको दिखाता है मुझे, हमारा जो राइट का पीछे वाला टायर है उसकी हवा कम हो रखी है, पॉइंट हो रही है, लग रहा कितनी हो रही है, मैं गाड़ी चला रहा हूँ बिल्कुल 100 कम, तो 100 कम हो रही बाबा के, बहुत ज़्यादा होती है 100 कम, 100, 200, 28, 30 होनी चाहिए। तो चलते हैं अभी। भाई पंचर बनाने के लिए आ चुके हैं यहाँ पर, और भाई इस वाले टायर पंचर है शायद, हवा कम दिखा रहा है, आप देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, चेक करते हैं। तो गाइस अब जा रहे हैं रायपुर, जिस जगह पे जा रहे हैं हम वो आपको हम जो है आगे जाके दिखाएंगे। अच्छे आ चुका है हमारा, और अभी आपको पता है कि गाड़ी में पता नहीं कोई पॉइंट पंचर का दिखा दिया, पंचर निकला इसमें, तो पंचर बना दिया सही, गाड़ी हवा पूरी हम दिखाओ, हमने पूरी हवा ये है उसका हवा का, जब हवा बिल्कुल सही है अब गाड़ी बिल्कुल सही चल रही है, तो गाड़ी का जब चलते समय डिसबैलेंस हो रही थी। तो आपको ध्यान रखना, कभी भी आप गाड़ी की हवा बराबर रखें, बराबर रखने से गाड़ी का हवा रखने क्या करते हैं आपका सस्पेंशन ठीक रहेगा, सही रहेगा। आपकी जैसे बड़ी गाड़ी है थार है, थार में आगे जो हवा आ रही है आपकी 33 ठीक है 33 होनी चाहिए उतारे में, और जो छोटी गाड़ियाँ होती हैं उनमें 28 और 30 के बीच में चाहिए। दिखाता हूँ चूम करके, जितने भी जितने भी पेड़ सहना रोड से कट के आए ना यहाँ पे लगा लिया मैंने, कहते हैं मूली कटे पेड़, जब सबकी मूली पेड़ काट दी से तो गाइस ये ना किसी काम के हैं, यहाँ लगा दिए नहीं हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन लगा दिए तो देखते हैं, छोटा पेड़ तो हो नहीं पाता, इतना बड़ा पेड़ होगा कि नहीं, मुझे तो मुश्किल लग रहा है। देखो ये सारे सहना रोड के आई टी पार्क के पास रोड पे पेड़ कटे वो है सारे पेड़। तो गाइस आप बताओ कमेंट करके कि हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे, ठीक है। फिर आगे अभी हम आगे चल रहे हैं, आपको वहाँ चलो। कितना प्यारा व्यू है जबरदस्त
से है तो भाई मजा आ गया। कलर पे मत जाना, कलर पे मत जाना, स्वाद पे जाओ। स्पाइसी भी नहीं है, देसी आदमी जा रहा है साथ में, पहाड़ी हूँ मैं भाई। तो आ गया छोटे कर सकता है, बड़ा क्या आराम से खा ले, छोटा कर ले। प्याज कैसे छोटा, प्याज छोटा है वो बोला है, छोटा हो सकता है, मुझे है ही छोटा। अच्छा लगा चुका भर गया। चलते हैं, किसी को पूछते हैं रास्ते के लिए। मुझे आसाम जाना है, रास्ता आसाम जा रहा है। भैया जी रास्ता तो आसाम ही जा रहा है, लेकिन आपको गाड़ी लेके जाना पड़ेगा। ओ माय गॉड, धन्यवाद, आपने बता दिया। गाड़ी लेके जाना पड़ेगा। हां जी, धन्यवाद, धन्यवाद। आज के बच्चे कितने थे,